हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट सोशल साइंस के चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल हमने पढ़ा था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वार्ड काउंसिलर कैसे कैसे अपना काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यस द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि जो ये काम होता है, जो सिटी में जो भी काम करना होता है, उसको क्या किया जाता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। देयर इज़ अ वाटर डिपार्टमेंट, वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट जो कूड़ा करकट इकट्ठा करता है वो डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स और जो गार्डन्स को देख रेख करता है वो डिपार्टमेंट है, एंड अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, और दूसरा डिपार्टमेंट क्या जो सड़कों की देख रेख करता है। आई वर्क ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटाइजिंग डिपार्टमेंट, मेरा काम क्या है, मैं सैनिटाइजिंग डिपार्टमेंट में वर्क अकाउंट्स पे काम करती हूँ, सैड यास्मिन खाला ने कहा। एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट, और उसने उसके बाद इनको ऑफर दिया कि कुछ कबाब खा लिया जाए। जहांगीर एट इज कबाब एट टॉप स्पीड, जहांगीर ने क्या किया, जो कबाब अपने हिस्से का कबाब बड़ी जल्दी से खाया। एंड एज ही वुल्फ देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन, जैसे उसने उनको नीचे रखा और उसने जोर से किचन से चलाया। यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स गो टू, वो कूड़ा करके जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इकट्ठा करती है वो कहाँ जाती है। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगिन टू आंसर, दूसरे लोग अभी खाना खा ही रहे थे कि यास्मीन खाला ने आंसर देना शुरू कर दिया। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर, इस सवाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब होगा। एज यू नो यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, जैसे कि आप जानते हो कि आपने देखा हो कि कूड़ा है, कूड़ा करकट है, पूरी गली में फैला होता है। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर, और वो अब अभी अभी पहले पहले हमारे जो पड़ोसी थे वो भी क्या करते थे, कूड़ा इधर उधर फैला लेते थे पूरे स्ट्रीट में। एंड इफ दिस रिमेन अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग्स रैट्स एंड फ्लाइज, अगर ये कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं किया गया तो इसकी वजह से क्या, कुत्ते आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे और मच्छर मक्खियाँ भी आ जाएंगे। ऑल्सो प्रोवाइड्स गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और जो लोग हैं इसकी बदबू से क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड द चिल्ड्रन इवन स्टॉप, एक समय पर इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि बच्चे क्या करेंगे, गलियों में खेलना बंद कर देंगे। बिकॉज देयर पेरेंट वर अफ्रेड दैट दे वुड गेट सिक सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग, क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर था कि उनके बच्चे गलियों में ज़्यादा देर खेलने से बीमार ना हो जाए। अब अगला टॉपिक है एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट, कि एक कम्युनिटी क्या करती है, अब वो प्रोटेस्ट करती है। यास्मिन खाला ने कंटिन्यू किया, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस, जो औरतें थी हमारे हमारे साथ जो औरतें रहती है वो बहुत ही नाखुश थी इस सिचुएशन के लिए, और वो मेरे पास भी आती थी कभी कभार एडवाइस लेने की। आई सैड, मैंने कहा, आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट, मैं अपने ऑफिसर से बात कर सकती हूँ, बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, मगर मैं ये मेरे पता नहीं है या मैं यकीन नहीं दिला सकती हूँ कि इसको कितना टाइम लगेगा। देन इट वॉज गंगा बाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसिलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट। तब उनमें से एक लेडी गंगा बाई उठी और उसने कहा कि हमको क्या करना चाहिए, वार्ड काउंसिलर के पास जाना चाहिए, गो टू एंड प्रोटेस्ट, और हमको धरना देना चाहिए, सिंस वी आर द वंस हु, क्योंकि हम ही वो हु इलेक्टेड हिम, क्योंकि हम ही वो है जिसने उसको इलेक्ट किया है। शी गैदर्ड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस, जो गंगा बाई है उसने क्या किया, एक औरतों का ग्रुप इकट्ठा कर लिया, छोटा ग्रुप इकट्ठा किया, एंड वेंट टू हिज और वार्ड काउंसिलर के घर चले गए। दे बिगिन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, अब उसने उनके जो वार्ड काउंसिलर के घर के सामने क्या करने लग गए, वो चिल्लाने लग गए, स्लोगन चिल्लाने लगे। एंड ही केम आउट एंड आस्क देम व्हाट वाज रॉन्ग, वार्ड काउंसिलर बाहर आया और उसने औरतों को कहा कि तुम्हारा क्या मसला है। गंगा बाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम, गंगा बाई ने जो उसके लोकेलिटी की सिचुएशन थी, जो उसके हालात थे, जहाँ वो रह रही थी वहाँ के हालात थे, उसने वार्ड काउंसिलर को बता दिया। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर, उसने उसको वादा किया, गंगा बाई और औरतों को वादा किया कि अगले दिन वो कहाँ जाएंगे, कमिश्नर से मिलेंगे। ही आस्क गंगा बाई टू गेट ए पिटीशन साइंड बाई ऑल द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड, उसने गंगा बाई को ये भी कहा कि जो उसके वहाँ आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे पिटीशन साइन करवा ले और साइन करवा ले कि जो हमारे गार्बेज है, जो वहाँ कूड़ा करकट है, उसको उठाया नहीं जा रहा है। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटाइजेशन इंजीनियर विद देम
और उसने उनको ये भी सजेस्ट किया कि जो वहाँ के जो लोकल सैनिटाइजेशन इंजीनियर उनको भी अपने साथ ले ले, द नेक्स्ट डे माइट बी ए गुड आइडिया, अगले दिन ये बहुत एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।